अच्छी ही रहेंगे। मेरी बात सिंगल की तो हमने तो अपनी और लगाने की कोशिश की, बहुत सारे प्रेजेंस हैं, बहुत पहले रिकॉर्डिंग पे भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है कि रिकॉर्ड कौन कर रहा है और कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है। संतुष्टि का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने सही तरीके से रिकॉर्ड किया और इसे वेरी कैसे फास्टेस्ट रिकॉर्डिस्ट जी, क्या कहेंगे आज आपका गाना रिकॉर्ड हुआ है? मैं राजा भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और थैंक मेरे यू लिए आए, सर। और सूफी मेरी शुक्रिया बड़ी इच्छा थी कम। कि मैं राजा जी के साथ गाना सर। करूँ। उन्होंने इससे पहले भी मेरी फिल्म धूल में गाए हैं मेरे लिए, और इस गाने को भी उन्होंने अंजाम दिया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। और सूफी मेरे लिए एक इबादत है, राइटर हूँ मैं, लेकिन सूफी गाना करना मेरे लिए ऊपर वाले के लिए की इबादत थी जो मैंने राजा जी के मुझसे करवा लिया, और ये इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। फिर गाने में जानना चाहेंगे, कुछ बताएंगे क्या गाना है और किस तरह से आपने इसको म्यूजिक आज दिया? का गाना जो है सूफी हुआ है, सीरा जी का लिखा हुआ है और राजा हसन ने गाया है, और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है लिखा है और गाया भी बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करें म्यूज़िक की तो आप म्यूज़िक देते हैं, तो इसमें किस तरह का म्यूज़िक होगा और आपने कितनी इसमें मेहनत की है? मेहनत तो देखिए हर चीज़ में लगता है, मेहनत तो काफ़ी लगा है, हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। और जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है तो म्यूजिक का कभी कोई अंत नहीं हुआ है, जितना अच्छा खूबसूरत तरीके से उसको किया गया है तो हम लोग को प्रयास किए हैं, और इसको जाएगा तो लोगों को पसंद आएगा। जैसे कि शीला जी ने लिखा है, राजा हसन ने गाया है, तो कुछ कहेंगे? अच्छी कॉम्बिनेशन, ये टीम वर्क है, एक राइटर संगीतकार के साथ में और एक सिंगर का जब टीम बनती है और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होता है और मार्केट में जाता है तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ बन के आता है, तो लोग पसंद करते हैं। शीला जी आप क्या कहेंगे? बस मैं तो यही चाहूँगी कि जब तक रिलीज नहीं होती तब तक तो अभी कुछ बोलना मैं समझती हूँ कि जरूरी नहीं है, लेकिन जब रिलीज होगी तो लोग इसका जो है ना, हमारे पब्लिक इसके व्यूअर्स देंगे होंगे, सुनने वाले जो कितना इसका रिस्पॉन्स देता है, ये रूहानी गाना है और लोगों के रूह तक पहुँचे, यही मेरी
कोशिश है। मैडम आप क्या गाएंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत खूबसूरत लिखा है शीला झा मैम ने, और शी इज़ अ ग्रेट राइटर एंड अखिलेश सर इज़ अ ग्रेट ग्रेट म्यूजिशियन। इन्होंने हमारे उधर उत्तराखंड का भी एक बहुत टॉप गीत बनाया है, और क्योंकि मैं कुमाऊनी सिंगर हूँ तो मैं पर्सनली जानती हूँ। और आज जो गीत मैम ने लिखा है, सर ने बनाया है, वो राजा जी, मतलब राजा हसन, अ बिग नेम इन इटसेल्फ, यू नो, तो उन्होंने ये गीत गाया है। और मतलब सूफी उनका जॉनर है, तो सूफी गीत ही मैम ने उनसे गवाया, सर ने उनके लिए कंपोज किया, तो इतनी खूबसूरती से रिकॉर्ड हुआ है कि मतलब मैं तो सही बताऊं तो मैं एक दूसरे ही जहान में थी जब वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही थी और पूरी टीम एक बढ़िया काम कर रही थी। तो अब देखिए रिलीज़ होता है तो ऑडियंस से हमारी यही उम्मीद है कि उन्हें भी ये पसंद आएगा। और जिस जहान में आज हम पूरी टीम हमारी डूबी हुई थी गाना रिकॉर्ड करते हुए राजा हसन जी के साथ, तो उसी जहान में आपको भी ले चलेंगे। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड वैसे तो राजा जी और मैम और सर की जो एक कॉम्बिनेशन है वो कमाल बना चुका है, तो अभी बस बाहर आके से धमाल करना बाकी है। सो आई रियली एंजॉय द रिकॉर्डिंग। थैंक यू। आप कुछ बताएं गाने के बारे में, आपने एक सूफी सॉन्ग गाया अभी। गाना बहुत प्यारा है, शीला जी ने लिखा है और अखिलेश जी ने म्यूजिक किया है, और संतोष जी जो हमारे साउंड इंजीनियर हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड करते हैं, और पूरी टीम बहुत अच्छी है, तो फिर काम करने में अलग ही मजा आता है। गाना बहुत अच्छा है, थोड़ा सैड रोमांटिक है, सूफी में भी जाता है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, कि ओ रब्बा ना दे दिल में पीर, मतलब एक दूरी नहीं चाहिए इंसान को। कुछ अपने बारे में बताइए, बॉलीवुड में जर्नी कैसे रही है और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? मेरी 2010 में सारेगामा किया, और 2013 में एक शो विन किया, देन अभी MTV का एक शो था वो भी अभी मैंने किया, सुरसागर, और बस चल रहा है। अभी अरबाज खान के लिए गाया था लास्ट, उसमें भी आई टू सॉन्ग इन दैट मूवी। अंकित तिवारी ने भी किया था एक सॉन्ग, वन बाय एश किंग एंड वन बाय के, वन बाय मोहित चौहान, आई हैड टू सॉन्ग इन दैट मूवी। एंड उसके बाद अभी जो लास्ट मूवी जो मैंने गाई वो लास्ट लास्ट थी, और ये जो लास्ट अभी मैंने गाया उसमें एक वन बाय अरिजीत, वन बाय तोची रैना, वन बाय ममता शर्मा एंड वन बाय मी। और अभी हमारे गाने के लिए बता दीजिए कि जो आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ राजा के साथ उसके बारे में, और आगे आप करने वाले उसके बारे में, दोनों बता दो। गाने राजा भाई बहुत अच्छा गाया, राजा भाई मेरे एक्चुअली वो सिंगर ही नहीं है, वो शख्सियत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मैं हम लोगों का मतलब एक सिंगर तो हम लोग हैं, वो तो हम लोग मिलते रहते हैं कभी कभी, कभी कभी कहीं स्टूडियो में मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग फ़ोन पे भी बात करते हैं, कभी कभी मैसेजेस में भी, व्हाट्सएप पर भी बात करते हैं, तो हम लोग मतलब वैसे भी हम लोग की दोस्ती, भाई भाई बंदी जो भी आप कहना चाहें उसको, हम लोग का बहुत अच्छा है। तो क्योंकि एक नेचर होता है इंसान का, सबसे नहीं मिलता है, जिससे मिल गया उससे मिल गया, तो इट्स वेरी गुड। कुछ हो जाए, कुछ एक आध गाना कुछ हो जाए, एक आध लाइन कहीं से। शीला जी का गाना, शीला जी का मुरब्बा, तो बोल गया नहीं मैं, तो जो मैंने जो शीला जी के लिए जो गाया है, शीला जी ने जो मुझे गवाया और अखिलेश जी ने, उसके बोल हैं, ओ रब्बा ना दे दिल में पीर, ओ रब्बा ना दे दिल में पीर, रब्बा ना दे दिल में पीर, दिल में रहती है मेरी, दिल में रहती है मेरी, रब्बा ना दे दिल में पीर, रब्बा ना दे दिल में।